this is a negative side signal of unit step. So if you want to calculate the x of z, just putting this signal into the formula of z transform, so it will be minus a of n u of minus n minus 1 z to the power minus n. ठीक है, तो ये जो होगा ये 1 हो जाएगा, और ये जो n की वैल्यू जो एग्जिस्ट कहां से कहां कर रही है, माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 तक, क्योंकि यूनिट स्टेप कहां से कहां है, माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 तक ये एग्जिस्ट कर रहा है. इसको माइनस बाहर ले लेते हैं, a और z एक साथ करके a टू द पावर माइनस 1 z माइनस 1. ठीक है, मैंने इसको माइनस 1 ले लिया है, ये मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लिया है, ये माइनस 1 लिया है, z टू द पावर माइनस 1 था. ये क्यों लिया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं इसको रिप्लेस करूंगा n को माइनस m के साथ. ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस में माइनस 1 ये जो हमारा है, इससे हम मैं समेशन नहीं कर पाऊंगा gp का, तो इसलिए मैं इसको लिमिट को चेंज करूंगा ताकि m इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी हो और a टू द माइनस 1 z m. ठीक है, अब ये जो 1 है, इस 1 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, सपोज करो मैं m इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी लेता हूं इसमें, तो एक एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, तो m इक्वल्स टू अगर 0 है तो ये क्या होगा, a टू माइनस z 0. इसका मतलब क्या किया है मैंने, एक टर्म इसमें ऐड किया है, एक टर्म अगर इसमें ऐड किया है तो एक क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस करना पड़ेगा. इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं a टू द माइनस है जेड एम माइनस 1. ठीक है, मैंने इसमें एक टर्म प्लस किया है, प्लस ये प्लस किया है, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मुझे एक माइनस 1 भी करना पड़ेगा इसकी लिमिट 0 से इंफिनिटी तक करने के लिए. उसके बाद जब मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिवली भी जीरो टू इंफिनिटी ए टू एम माइनस 1 जेड होल एम. अब ये जो चीज है ये क्या है, हमारे जीपी में आ गई, जीपी में आ गई 1 प्लस ए टू दी माइनस 1 जेड प्लस ए टू माइनस जेड का स्क्वायर प्लस इंफिनिटी. तो ये जीपी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ए डिवाइड बाय 1 माइनस ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर इक्वल टू 1 माइनस जेड. इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे देन इट विल बी दिस 1 विल बी कैंसिल आउट, इट विल बी इस तरीके से आएगा. इस माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, z माइनस a इस तरीके से करूंगा, और इसको अगर z इनवर्स के फॉर्म में अगर लिखना है देन इट विल a 1 माइनस z इनवर्स. सो दिस विल बी z इज लेस देन a. एक तो ये लेफ्ट साइड से सिग्नल है, एक तो ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो लेफ्ट साइड सिग्नल का पोल क्या हुआ, पोल हुआ z इक्वल्स टू a, मतलब एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो a है, इसका रेडियस a है, तो उसके इनसाइड ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ ए, मतलब अगर जेड प्लेन में इसको प्लॉट करें इसके आरओसी को, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस ए है और इसका आरओसी, इस सिग्नल का जो आरओसी होगा दैट विल बी इनसाइड ऑफ दिस ए. ओके, सो दिस विल बी द आरओसी ऑफ लेफ्ट साइडेड सिग्नल इनसाइड ऑफ ए. सो अप टू नाउ वी हैव स्टडीड a to the n u n, हमने z transform निकाला, then it will be a 1 minus z inverse, its ROC will be modulus of z is greater than a. Similarly, we can see that for left sided signal, its z transform will be same a 1 minus a z inverse, a divided by 1 minus a z inverse, but its ROC will be z is less than a. Okay, so in this way you can see that that for right side signal its ROC will be the outermost of this radius of circle, the circle of radius a. You see, it will be for left side signal it will be inside the circle of radius a.
ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आरओसी जो है वो लेफ्ट साइड टू राइट साइड की इस सर्कल के अंदर होगी, जो भी उसका पोल होगा उस पोल का जो होगा उस पोल के अकॉर्डिंग उस सर्कल का रेडियस होगा, और अगर वो राइट साइडेड है तो आउटसाइड ऑफ दैट सर्कल में आरओसी होगा एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो लेफ्ट साइडेड है देन इट विल बी इनसाइड ऑफ दैट सर्कल।